सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराया। तो मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो यार थैंक यू सपोर्ट करने के लिए जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है और मेरी वीडियोज़ देखी हैं। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए यार, 1000 लेके जाइए, 2000 लेके जाइए, जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं चाहिए, लेकिन सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए यार अपने दोस्तों के साथ जिन जिन लोगों को एथिकल हैकिंग और ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्ट है। और चलिए करते हैं इस वीडियो को सीधा स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एथिकल हैकिंग की क्लासेज, जिसके अंदर ये क्लास होने वाली है 7। और आज हम पढ़ने वाले हैं या फिर हम बात करने वाले हैं एक टूल के बारे में, एक टूल नहीं बोलेंगे, एक वेबसाइट बोलेंगे। और काली लिनक्स के अंदर मैं बात करूँ तो उसको बोलेंगे टूल। तो इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। पहला पार्ट होगा जो हम अभी किसी वेबसाइट की हेल्प से करेंगे, नेटक्राफ्ट जिसका नाम है, और दूसरा पार्ट होगा जिसके अंदर हम उसको काली लिनक्स पर ट्राई करेंगे जिसका नाम है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिमिट्री, जिसका फुल फॉर्म होता है डीप मैजिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल। तो दोनों का काम सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें एक वेबसाइट का यूज़ करना पड़ रहा है और काली लिनक्स और पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डिफ़ॉल्ट आपको उसके अंदर इंस्टॉल मिलेगा, तो हम उसका यूज़ भी करके देखेंगे, लेकिन वो इसकी अगली वीडियो में जो उसके बाद में अपलोड करूंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग यूज करने वाले हैं नेटक्राफ्ट का। तो पहले मैं आपको बताया तो नेटक्राफ्ट होता क्या है और फिर उसको यूज कैसे करना है हम लोग वो भी देखेंगे। तो यहां पे ये खुल गया नेटक्राफ्ट। तो जिन जिन लोगों ने मेरी इससे पिछली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने रिकॉग्निशंस के बारे में बताया था, तो हम लोग वहाँ कर रहे थे फुटप्रिंटिंग, स्टार्ट करी थी हमने वहाँ पर फुटप्रिंटिंग के बाद रिकॉग्निशंस, जिसका मेन यही होता है कि किसी भी टारगेट के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जितना हो सके हम उसकी डीप इन्फॉर्मेशन लेते थे। तो इनके अंदर हम ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ले नहीं पाते थे, तो आज हम बात करेंगे कि किसी के भी सर्वर की इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे लें, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट के सर्वर की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जब आप नेटक्राफ्ट डालेंगे तो एक बार सर्च करें तो नेटक्राफ्ट के यहाँ पे एक पेज पे आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, मैं दोनों करके दिखा दूँ। जैसे पहला वाला हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और इस वाले को भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये पहला वाला नेटक्राफ्ट का पेज है और ये सेकंड वाला भी नेटक्राफ्ट का है, लेकिन देखिए मैं अब यहाँ पर बताऊँ तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, वैसे तो सेम ही है। तो यहाँ पे नेटक्राफ्ट के बारे में काफ़ी सारा डिटेल है, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, अबाउट में जाके आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसी भी वेबसाइट की हमें सर्वर की इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इसके हेल्प से मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक के बारे में, क्योंकि हम फेसबुक पे या फिर गूगल इन सब के बारे में सर्च करते हैं, कोई किसी की पर्सनल वेबसाइट पे नहीं करना चाहिए हमें जो हमारे किसी फ्रेंड वगैरह की, क्योंकि वो फंस भी सकते हैं हम उसके अंदर। तो ये मैंने इसको कर दिया यहाँ पर सर्च, और सेम मैं फेसबुक के बारे में यहाँ पर भी सर्च कर दूँगा facebook.com, और ये मैंने कर दिया एंटर। तो दोनों जगह एक बार सर्च करने के बाद यहाँ देखते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पर फेसबुक के बारे में कुछ रिजल्ट मिले हैं, जिसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं साइट की इन्फॉर्मेशन मिली है कितनी सारी है, उसके बाद साइट रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लास्ट सीन, और उसके बाद नेट ब्लॉक, और सबसे मेन उनका ओएस आपको मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे अननोन है इनके लिए मैं आपको बता दूँ कि चांस होता है कि ये सब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, क्योंकि सर्वर के लिए हमेशा लिनक्स ही यूज़ करते हैं, लिनक्स ही प्रीफर किया जाता है, और जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उनके सर्वर पर लिनक्स ही रन हो रहा होता है, विंडो नहीं करते ज़्यादातर वो लोग यूज़। और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा साइट रिपोर्ट। अब जब इस पे आप लोग जाएंगे ना तो यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी साइट इसने दे दी है फेसबुक के, तो अगर हम यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो भी आपको यहाँ पे यही सेम चीज़ मिलेगी, साइट रिपोर्ट। तो अगर आपको यहाँ पे अलग अलग के बारे में सर्च करना है तो हम इस पे साइट रिपोर्ट पर जाके देख सकते हैं, उसमें अलग अलग पेजेस हमें मिल जाएंगे, और एक ये वाला है जहाँ पर हम फेसबुक के बारे में सीधा सर्च कर सकते हैं। तो हम पहले इसके बारे में बात करते हैं, साइट रिपोर्ट जो हमें यहाँ पर मिली है। तो यहाँ सबसे पहले हमें टाइटल मिल जाएगा, फर्स्ट डेट, सीन मिल जाएगा, कब ये बनी थी, लैंग्वेज मिल जाएगी, साइट रैंक मिल जाएगी, ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कहीं से भी आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं ये नेटक्राफ्ट रिस्क रेटिंग, जो नेटक्राफ्ट खुद देता है रेटिंग कि कितना रिस्क है, तो उसमें बता रखा है 0/10, मतलब ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट है, इसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए इसने अगर गलती से इसमें SSL सर्टिफिकेट का कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ है, तो इसका एक रेटिंग यहाँ पे ऐसे कम हो जाएगा और वो यहाँ पे रेड रेड शो कर देगा कि इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये सेफ नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ नेटवर्क के बारे में मिल जाएगा, साइट उसकी बता देगा कि है क्या facebook.com है, डोमेन के बारे में बता देगा, IP एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद ये हमें यहाँ पे IPv6 की इन्फॉर्मेशन दे देगा, डोमेन रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल डोमेन, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये हमें यहाँ पे दे देता है। उसके बाद होस्टिंग हिस्ट्री हमें मिल जाएगी, IP एड्रेस सारे, उसके ऊपर OS कौन कौन से रन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था ज़्यादातर लिनक्स ही होता है, तो यहाँ सब के अंदर लिनक्स है, तो OS की इन्फॉर्मेशन भी अगर आप निकाल सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है।
तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हम लोग कर रहे हैं बहुत बड़ी वेबसाइट है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, इन सब के बारे में सिर्फ हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तो इन्हीं वेबसाइट के बारे में देखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इनकी बहुत सारी डिटेल हमें अवेलेबल यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ है, अगर आपको किसी छोटी वेबसाइट पर मान लीजिए अटैक करना है जो ज़्यादा इतनी बड़ी रेटिंग नहीं है उसकी, हल्की फुल्की वेबसाइट है, अब जैसे यहाँ पर दिखा नेट क्राफ्ट रिस्क इसमें ज़ीरो है, मतलब बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, लेकिन अगर वो एक छोटी वेबसाइट है तो काफ़ी ज़्यादा गलती लोग उसके अंदर कर देते हैं और उसके बाद वो उसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या फिर वो एसक्यूएल इंजेक्शन से अटैक कर सकता है अगर किसी को करना हो तो, कोई छोटी वेबसाइट पे, ज़्यादा बड़ी पे नहीं होता ये। उसके बाद वेब ट्रैकर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और साइट टेक्नोलॉजी, अगर मैं एक एक करके पॉइंट बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं बता देता हूँ छोटा मोटा और उसके बाद आप जब अपना खुद का करके देखेंगे तो समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी बताएगा पीएचपी यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बताएगा और पॉपुलर साइट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी है वो भी बताएगा, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट इस सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है वो भी आपको बताएगा, SSL XML यहाँ पर ये सब कुछ मतलब ये यूज़ कर रहा है, क्लाइंट साइट, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आपको मिल सकती है किसी वेबसाइट के बारे में, ऑलमोस्ट आप खुद देख सकते हैं आपके सामने कितनी सारी डिटेल्स है एक वेबसाइट के बारे में, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहाँ पे बता देगा। और अगर मैं इसके बाद वापस इस पेज पे जाऊँ तो आप अलग अलग पेजेस पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या आपको रिपोर्ट मिल रही है, जैसे ये वाली पेज हो गया, इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया कि नेटक्राफ्ट से हम किसी भी वेबसाइट के सर्वर की डीप इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए ये। तो इस वीडियो में इतना ही था कि हम कैसे ये इन्फॉर्मेशन निकाले, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करके देखेंगे काली लिनक्स और पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम ये डिमिट्री का यूज़ करेंगे, डिमिट्री टूल जो उसके अंदर पहले से इनबिल्ट आता है और उसकी फुल फॉर्म ये रही। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं, तो यार और बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, ये नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती का सब्सक्राइब, अगर आपको पसंद है, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो ही करना है, ज़बरदस्ती तो है नहीं कोई। और चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि उसके अंदर हम करने वाले हैं पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना ये प्रैक्टिकल डिमिट्री टूल के साथ, और करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म।